हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर सर दी। तो आज आपके लिए लाए हैं एक इन्वर्टर जो कि इनपुट होगा 24 वोल्ट और आउटपुट पे 300 वोल्ट हम लोगों को मिलेगा। तो वो इन्वर्टर हम लोग बनाएंगे आज, वो भी पुराने चीजों से, मतलब जो हम लोग कंपोनेंट्स फेंक देते हैं वो जो पुराना कंपोनेंट्स है उसको हम लोग यूज करेंगे और एक इन्वर्टर बनाएंगे अपने घर पे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले इस सर्किट की मदद से हम लोग ये चीज़ बनाएंगे। तो ये जो आप देख रहे सर्किट, ये आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ये जो सर्किट है इस पर देखिए, यहाँ पे 20 से 24 वोल्ट इस पर इनपुट देना होगा और आउटपुट में निकलेगा क्या, 300 वोल्ट एसी निकलेगा। यहाँ पे डीसी देंगे और यहाँ से एसी निकलेगा 300 वोल्ट 4 वाट का, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ सर्किट वगैरह हमने लगाया है जो कि कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगाया है 63 वोल्ट का, 47 माइक्रो ओम्स का। एक डायोड लगाया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है जो कि 4 वाट का होगा। और यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर हमने लगाया है 13003, यहाँ पे भी 13003 होगा। और यहाँ पे 1 mAh का एक कोयल लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है 1 kΩ का। और यहाँ पे जो है वो ट्रांसफार्मर हमने लगाया है, वो अलग तरीके का ट्रांसफार्मर होगा। इसका जो इनपुट होगा 1, 2, 3, 4, 5 इनपुट होगा और आउटपुट में 2 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह ट्रांसफार्मर हम लोग लगाएंगे जो कि 2 इनपुट यहाँ पे होगा और एक इनपुट जो होगा वो एक ही कॉइल पे 3 आउटपुट मतलब इनपुट होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एक ट्रांसफार्मर लेंगे। तो पुराना चीज़ों से हम लोग इसको बनाएंगे। तो अभी हम लोग पुराना चीज़ों को हम लोग निकालते हैं। तो इस पर कुछ पुराना चीज़ है, इसमें से देखते हैं निकालने के लिए क्या क्या है इसमें। तो अभी ये जो कॉयल, इसको मापना पड़ेगा क्या है, इसको साइड में रखते हैं। और कैपेसिटर हम लोगों को चाहे 63 वोल्ट या इसके ऊपर होगा, तो ये 10 वोल्ट का है कैपेसिटर, ये 63 वोल्ट का है, 47 ये मिल गया है। और ये वाला एक कॉयल है, इसको रखते हैं साइड पे। ये भी एक कॉयल है, इसको भी रखते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग रखते हैं साइड पे। ये भी एक ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग रखेंगे। कैपेसिटर हम लोगों को मिल गया है अभी, ये वाला, इसको भी हम लोग रखेंगे साइड पे, इसको भी रखेंगे, ये वाला भी रखेंगे, ये कैपेसिटर भी रखेंगे। यहाँ पे एक डायोड मिल गया है, यहाँ पे छोटा डायोड है, हम लोग को छोटा डायोड की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे एक कॉयल है। तो अभी और एक यहाँ पे देखिए, और एक कैपेसिटर है, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर, यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर मिल गया है। तो सभी को हम लोग देखेंगे। यहाँ से और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है, ये एक आईसी है, इसका ज़रूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस चाहिए हम लोगों को। तो अभी इस चीज़ों से इसका ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ये वाला साइड में रखते हैं हम लोग। और ये जो चीज़ है इसको हम लोग मापेंगे पहले, मापने के बाद जो जो सिलेक्ट होगा उसमें से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए सर्किट पे हमने दिखाया है जो कि ट्रांसफार्मर जो दिखाया है, इस पर इनपुट होगा 5 इनपुट और 2 आउटपुट होगा। तो इस तरह ट्रांसफार्मर यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6, 7, 8, टोटल 8 पेयर है। तो ये ट्रांसफार्मर नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला शायद हो जाएगा, इसको हम लोग मापेंगे। तो ये 2 जो हैं
इसको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आउटपुट, तो हम लोग शॉर्ट में रखते हैं, तो ये हो गया है, तो ये भी शायद, हाँ ये हो गया है, तो ये ट्रांसफॉर्मर शायद हो जाएगा, तो इसको हम लोग रखेंगे। यहाँ पे वन आ रहा है, तो ये वाला हम लोग को चाहिए, तो इसको हम लोग रखेंगे, ये रेजिस्टेंस अच्छा है, इसको परफेक्टली है, 1 किलो ओम्स का है, इसको हम साइड में रखेंगे। तो कैपेसिटर इसको भी चलेगा, तो ये 2 कैपेसिटर होगा, ये भी हो जाएगा, तो ये तीनों में से कहीं भी हो, किसी भी कैपेसिटर हम लोगों को हो जाएगा, तो इसको रख लेते हैं, ये 2 छोड़ देते हैं, ये वाला कैपेसिटर भी होगा, ये वाला भी हो जाएगा, तो इसको हम लोग रखेंगे, नहीं इसको रख लेते, नहीं ये वाला रखेंगे, कॉयल हमको मिल गया है, कॉयल की ज़रूरत नहीं है, कैपेसिटर चाहिए। अभी ये जो डायोड आप देख रहे हैं ये परफेक्ट है डायोड, इसको हम लोग रखेंगे, और ट्रांजिस्टर हम लोगों को चाहिए 13003। ये क्या है, ये 203, ये नहीं चाहिए, ये है BD139, नहीं चाहिए, ये है 13003, तो ये तो एक मिल गया है, और दूसरा मुझसे देना पड़ेगा, एक मिनट, तो ये 13003 शायद अच्छा ही होगा, तो इसको हमने एक जगह से निकला है, तो ये वाला और ये वाला 2 ट्रांजिस्टर हम लोग को मिल गया, एक ट्रांसफार्मर मिल गया, तो एक कॉयल मिल गया, एक रेजिस्टेंस चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, ये वाला कैपेसिटर चाहिए, ये वाला भी कैपेसिटर चाहिए, और ये डायोड चाहिए, तो इस चीज़ से हम लोग ये बनाएंगे, तो आउटपुट पे हम लोग देंगे 24 वोल्ट, और ये जो आउट सॉरी जो इनपुट देंगे वो 24 वोल्ट होगा, आउटपुट पे 300 वोल्ट जो कि एसी निकलेगा इसके मदद से। तो अभी चलिए सर्किट को हम लोग बनाते हैं। सर्किट बनाए हैं उसको हम लोग जलाएंगे। ये जो यूवी लाइट देख रहे हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसके मदद से हम लोग वायरस बैक्टीरिया को हम लोग मारते हैं, वही लाइट को हम लोग जलाएंगे। इसको जलाने के लिए 300 वोल्ट चाहिए, तो चलिए इसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये ग्लो करता है या नहीं करता। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो इस सर्किट को हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। तो ये जो प्लग आप देख रहे हैं इस पे इनपुट देंगे,
24 वोल्ट जो कि डीसी होगा, और यहाँ से आउटपुट पे हम लोगों को जो कि 300 वोल्ट मिलेगा एसी, ठीक है। तो अभी इसको प्लग लगा के हम लोग टेस्ट करेंगे। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो कि डीसी 24 वोल्ट और यहाँ से आउटपुट 300 वोल्ट हम लोग दिखाएंगे। तो पहले हम लोग डीसी पे सेट करते हैं। तो अभी बैटरी डीसी पे सेट हो गया है, अभी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी जब भी स्विच देंगे तो अभी इस पर देख सकते हैं, यहाँ पे जब भी हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी आउटपुट पे हम लोग देखते हैं। तो आउटपुट पहले हम लोग इसको एसी पे कर देते हैं। तो अभी हम लोग आउटपुट पे देखेंगे। तो अभी देख सकते हैं आप लोग एसी जो कि 300 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। तो इस तरह हम लोग एक जो कि इन्वर्टर बना सकते हैं आसानी से, जो कि 24 वोल्ट इनपुट और आउटपुट पे 300 वोल्ट एसी देगा। तो अभी हम लोग इस पर एक लाइट हम लोग ग्लो करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक अल्ट्रावायलेट लाइट है। तो यहाँ पे ये ग्लो करता है 300 वोल्ट से और इसका वाट होगा 4 वाट, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग लगा के टेस्ट करेंगे। तो अभी देख रहे हैं ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये 300 वोल्ट से ये ग्लो करता है। तो लाइट को मैं बंद करके अभी दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं ये ग्लो हुआ है। तो मैं इसको फिर से मैं बंद करता हूँ। तो पावर बंद कर दिया, देखिए इसमें ग्लो नहीं हो रहा है। अभी पावर देंगे तो ये फिर से ग्लो करने लगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक आसानी से एक इन्वर्टर बना सकते हैं 300 वोल्ट का। तो देखा आपने किस प्रकार से एक आसानी से हम लोग घर पे एक इन्वर्टर बना सकते हैं 24 वोल्ट इनपुट, आउटपुट पे 300 वोल्ट। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।